बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने बीते 3 दशक में 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। 6 फिल्मफेयर और 1 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी फराह खान ने अपने कैरियर में 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं। इनमें से 3 फिल्में हिट रहीं, लेकिन उनका जीवन बड़ा तंग हाली से बीता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका हमारे चैनल जीत पक्की में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीत पक्की में हम लाते हैं ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जिसमें होता है जोश, जज्बा और जुनून। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की स्टोरी है बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान की, जिनकी शुरुआत में थी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय। दोस्तों, फराह खान की फैमिली भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही। भले ही उनके पिता कामरान खान एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, लेकिन फराह खान का बचपन तंग हाली में बीता। एक इंटरव्यू में फराह खान ने बताया था कि उनके पिता के निधन के वक्त उनके पिता की जेब में मात्र 30 रुपये थे। आगे उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने और उनके भाई साजिद खान को पिता का फ्यूनरल अरेंज करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा था। दोस्तों, एक समय था जब उनका परिवार बहुत अमीर था। जब उनके अब्बा कामरान खान फिल्म डायरेक्टर थे, यह तब की बात थी। अब्बा फिल्मों से खूब पैसा कमा रहे थे। परिवार के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर पर आलीशान पार्टियां हुआ करती थी, जिनमें बॉलीवुड के तमाम सितारे आया करते थे। फिर उसके बाद एक फिल्म ने सब कुछ उजाड़ दिया। फराह खान के अब्बू ने एक फिल्म बनाई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वह बुरी तरह पिट गई। परिवार के हालत बद से बदतर होते चले गए। इसी गम में फराह के वालिद कामरान ने खुद को शराब में डुबो लिया। फिर एक दिन लीवर फटने से उनकी मौत हो गई। फराह खान ने इंटरव्यू में बताया था कि एक बार रात पहले ही उन्होंने, यानी अब्बू ने, ताश खेला था और उनकी पॉकेट में मात्र 30 रुपये थे। यह बात फराह खान के भाई साजिद खान ने भी बिग बॉस में बताई थी। साजिद ने बताया कि पिता का फ्यूनरल करने के लिए पैसा इकट्ठा किया गया था। एक वक्त तो ऐसा था कि जब फराह के पास घर के बाहर वाले दरवाजे पर लगा ताला सुधरवाने के भी पैसे नहीं थे। फराह की माँ उस दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजे के आगे एक बड़ी सी चट्टान रख दिया करती थी। उस मुश्किल वक्त में फराह खान को उनके सेंस ऑफ ह्यूमर ने इन चुनौतियों से उबरने में मदद की थी। पिताजी की मौत के लगभग 1 महीने के बाद फराह को डार्क ह्यूमर में खुशी मिलने लगी। फराह ने उन लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जो उनके पिता के फ्यूनरल में शामिल हुए थे। उस वक्त भी उनके दिमाग में ताश खेलने के लिए जगह ढूंढने की बात चल रही थी। कई बार फराह को लगता कि इसी डार्क ह्यूमर ने उन्हें डिप्रेशन में जाने से बचाए रखा। दोस्तों, पिता की मौत के बाद फराह खान के परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हें 15 साल तक बहुत बुरा स्ट्रगल करना पड़ा। बुरा इसलिए क्योंकि लोगों ने फराह और साजिद के वालिद के कफन तक को पैसे नहीं दिए थे, फिर रोजी रोटी के लिए कहाँ से देते। साजिद खान और फराह जिसके भी दरवाजे पर जाते वह मुंह फेर लेता। ऐसे मुश्किल वक्त में तब सलमान खान के पिता और जाने माने राइटर सलीम खान ने मदद की थी। सलीम खान ने फराह और साजिद को इतने पैसे दिए जिनसे अब्बा को दफनाया जा सका और वो महीने भर का राशन खरीद पाई। दोस्तों, फराह ने अपने बुरे दिनों की यह कहानी इंडियन आइडल 13 में भी सुनाई। उन्होंने बताया था कि उनके पास रहने को घर नहीं था। फराह और उनकी माँ 6 साल तक एक स्टोर रूम में रहीं। अब्बा के इंतकाल के वक्त महज उनके पास 30 रुपये थे। आज लोगों को लगता है कि फराह को बहुत सुविधाएँ मिली हैं, बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। दोस्तों, जब फराह खान को ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फराह ने इंटरव्यू बताया था कि वह प्रिविलेज्ड कैसे हो सकती हैं। अगर होती तो अब्बा के संस्कार के लिए उन्हें पैसे मांगने के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। दोस्तों, उसके बाद फराह खान और उनके परिवार ने जैसे तैसे दुख और गरीबी के वो दिन निकाले और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ डांस कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बनने का सपना देखा। फराह खान किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन को अपना गुरु मानती थी। वह उनके जैसे ही डांस करने की कोशिश करती। दोस्तों, जब फराह जो जीता वही सिकंदर में ऊँटी में असिस्ट कर रही थी तो वहाँ उन्हें कोरियोग्राफ करने का पहला मौका मिला। दरअसल जो कोरियोग्राफर थी वह सेट पर नहीं पहुंच पाई। तब फराह से कहा गया कि तुम कोरियोग्राफी करो। इस तरह वह फिल्म फराह को मिल गई। फराह खान ने इस तरह अपने आने वाली कई फिल्मों में डांस सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए। दोस्तों, फराह खान अपने कमाल के सेंस ऑफ
ह्यूमर के लिए जानी जाती हैं। 2004 में फराह खान ने फिल्म एडिटर श्री सुकुंदर से शादी की थी। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। फिल्म मैं हूं ना के दौरान एक दूसरे से प्यार हुआ था। दोस्तों शादी की शुरुआत में ही एक वक्त ऐसा भी आया जब फराह को एडजस्ट करने में मुश्किलें आ रही थी। वह घर से भाग जाना चाहती थी। इसका खुलासा उन्होंने टीवी शो स्वयंवर मीका दी बोटी के सेट पर किया था। सेट पर फराह ने कहा था कि शादी करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, जब आपको सही इंसान मिल जाए तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। फराह अपनी शादी के पहले साल में भाग जाना चाहती थी क्योंकि एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। दोस्तों फराह और श्रीश ने फिल्म जाने मन, ओम शांति ओम और 30 मार्का में काम किया था साथ में। दोस्तों फिल्म कभी हाँ कभी ना के सेट पर फराह खान की मुलाकात शाहरुख खान से हुई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और आने वाले समय में दोनों ने कई प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया। दोस्तों फराह खान अब 58 साल की हो चुकी हैं। फराह खान ने कोरियोग्राफी के लिए 6 बार फिल्म फेयर का बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड भी जीता। इसके बाद फराह खान ने पहली फिल्म मैं हूं ना डायरेक्ट की, जिसमें शाहरुख खान रीड लॉर में थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, इसमें फराह को टॉप डायरेक्टर बना दिया। तब से फराह कई फिल्मों में डायरेक्ट कर चुकी हैं। फराह खान बिग बॉक्स के अलावा इंडियन आइडल और कुछ कॉमेडी शोज भी जज कर चुकी हैं। दोस्तों फराह खान की जर्नी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं। वह आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है और यह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनती है। दोस्तों फराह खान को जो लोग करीब से जानते हैं वो मानते हैं कि उन्होंने वाकई आसमां में सुराख कर दिखाया। बचपन में जिसके सिर पर छत नहीं थी, खाने पर भी फाके करने पड़ते थे, आज उसकी दुनिया भर में तूती बोलती है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे बॉलीवुड के जाने माने एडिटर और डायरेक्टर ने कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान, जो उनसे उम्र में 8 साल बड़ी हैं, को दिल दे बैठे थे। फराह खान की माने तो वे इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि 8 साल छोटे श्रीश मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जल्दी ही वे श्रीश की बुद्धिमानी की कायल हो गई थी। दोनों की लव स्टोरी मैं हूं ना के सेट पर शुरू हुई थी। फिल्म साइन करने से पहले ही श्रीश का फराह पर क्रश था। जब उन्हें फिल्म के बतौर एडिटर जॉब ऑफर हुई तो बिना देरी किए हुए इसे स्वीकार कर लिया। 7 महीने डेटिंग के बाद गोवा में उन्होंने सगाई की थी। श्रीश ने फराह के सामने पहले प्रपोजल रखा था, लेकिन वे टाइम पास नहीं करना चाहते थे बल्कि फराह के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। श्रीश ने फराह से कहा था कि डार्लिंग, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें देखकर सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर तुम सीरियस हो तो हम शादी करने जा रहे हैं तो ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप फराह खान के बारे में क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।